नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। हम पहुंचे हैं आरके चौक के पास। आप देख सकते हैं सामने पेट्रोल पंप है और यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक गाड़ी वाले ने टक्कर मारी है और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमें देख रहे हैं। लगातार दो तीन गाड़ियों में टक्कर मारी है, ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी है जिसने नियंत्रण होकर एक टेम्पो जो पीछे दिखाया था उसमें टक्कर मारी है। उसके बाद एक और गाड़ी जो बता रहे हैं जिसमें टक्कर मारी है, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से, जैसा कि बता रहे थे कि गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, ब्रेक नहीं लगे कि क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से पहले उसने पिकअप में मारी, उसके बाद जैसा सामने आप गाड़ी देख रहे हैं सिर्फ इसमें टक्कर मारी है। दसरा ग्राउंड के पास पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ, ये देख सकते हैं HR 51 CA 1415। इस गाड़ी को भी ये देखते हैं, ये देख सकते हैं पूरी डैमेज हो गई गाड़ी किस तरह से, ये देखें गाड़ी के हालात आप देख रहे हैं। और दिखाते हैं आपको, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, डायल 112 यहाँ मौके पर पहुंच गई थी और अभी सुबह की घटना है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है लेकिन एक्सीडेंट बड़ा था, ये देख सकते हैं आप गाड़ी, इस गाड़ी के भी हालात देख सकते हैं आगे से कैसे हैं, ये देखें, ये देखें। किस तरह से, और अभी फिलहाल यहाँ पे वैन मंगा ली गई है, दो वैन मंगा ली गई है गाड़ी को हटाने के लिए और किसी को कोई चोट नहीं लगी है। अनियंत्रण होने की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाई जिसकी वजह से इसने लगातार दो गाड़ियों में टक्कर मारी है। पहले ये सामने जो पिकअप आप देख रहे हैं इस पिकअप में टक्कर मारी और उसके बाद जो आपको दूसरी गाड़ी दिखाई उसमें टक्कर लगी है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी दोनों डैमेज हो गई हैं, दोनों गाड़ियों में नुकसान है और ये देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच गई, दो वैन भी मौके पर पहुंच गई है गाड़ी को यहां से ले जाने के लिए, ये देखिए। ये गाड़ी किसकी थी? उसकी बाइक को जा रहा है, वो पीछे वाले टायर में मारी है इसमें, पहले ही मारा है, पहले हम लोग जा रहे थे उधर। आपकी भी गाड़ी थी क्या? ये हमारी, हमारा अच्छा, ये आपका सामान है, मैं आगे बैठा हुआ था जी, उधर तो गाड़ी स्पीड में आ रही थी, वो अनबैलेंस हो गया, हमारे पहले गाड़ी में टक्कर मारा, उसका टायर फटा, उसने कोशिश करके अपना खींच के ले गया उधर को, टक्कर मारेगा तो उधर को मशीन गई, उसके बाद उस गाड़ी में दूसरे वाले में मार दिया, स्विफ्ट में जो आगे करी है, में मार दिया। किसी के चोट वोट तो नहीं आई है? नहीं, चोट किसी को नहीं आई, पर उसमें बच्चे बैठे थे वो बच गए, हम लोग तीन चार थे लेकिन हम लोगों को बच गए, बच गए। और ये गाड़ी कौन चला रहा था? ये वाली नहीं, ये लड़का चला रहा था, बीच में खड़ा हुआ है। अच्छा, ये गाड़ी इधर से आ रही थी, मेरी फैमिली थी, इतनी और स्पीड में चल रहा था। हालांकि ये रोड भी ऐसा नहीं है इतनी स्पीड में चलने वाला, एयर बैग खुले हुए हैं, आपको पता चल जाएगा ये कितनी स्पीड में खुलते हैं, कितने टक्कर में, मतलब टक्कर जोर से लगी है स्पीड, लेकिन ये शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उस गाड़ी में बच गए, गाड़ियों में नुकसान हुआ है, गाड़ियां तो दोनों तीनों गाड़ियां नुकसान हुई है जो दिखाया है आपको, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
हालांकि गलती वो लाल वाली गाड़ी की, लाल वाली गाड़ी की ना, लाल वाली की है। उसमें ब्रेक नहीं लगी कि क्या हुआ? नहीं नहीं, उसका बताओ, खुद बता रहा है कि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम दी थी, स्पीड में नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, वो बता रहे हैं गाड़ी में प्रॉब्लम थी। हाँ। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम थी, और वो उसमें भी गाड़ी में भी उसमें भी फैमिली थी, उसमें भी फैमिली थी, और जो शिफ्ट में थी उसमें भी फैमिली थी। जब आपको पता है गाड़ी में प्रॉब्लम है तो आप फैमिली को लेकर जा रहे हैं, तो इतनी देर नहीं चलते जितनी देर इसमें चल रहा था बंदा, वो उसकी गलती है सबसे ज्यादा, पूरा नुकसान कर दिया हमारी गाड़ी को। तो अब क्या कह रहे हैं? अब अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोले, अभी तो ड्राइवर से हमारे खुद ही उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा, वही जिन्होंने मारी है? हाँ। पुलिस पहुँच गई है। क्या नाम है आपका? लवलेश मिश्रा। लवलेश जी, आप देख सकते हैं फरीदाबाद, और अभी पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है, क्या समाधान होगा देखेंगे और बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। धन्यवाद।